In this video, we will study XOR cipher, which is a simple modern cipher. जितनी भी modern हमारी ciphers हैं वो simple modern ciphers से मिलकर बनी हुई हैं, जो कि simple predefined functions हैं. इसको XOR cipher इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर exclusive OR operation use होगा. Exclusive OR अगर आपको याद हो तो उसका सिंबल ये होता है, सर्कल के अंदर प्लस का साइन. दिस इज एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर विच विल बी यूज्ड इन दिस साइफर. इस साइफर के अंदर दो डेटा इनपुट्स की जरूरत पड़ेगी, विच इज द प्लेन टेक्स्ट एंड द की. और इसमें प्लेन टेक्स्ट का, की का और साइफर टेक्स्ट का साइज सेम रहता है तीनों का. मतलब कि अगर मेरा प्लेन टेक्स्ट 4 बिट्स का है तो की भी 4 बिट्स की होगी, और जो साइफर टेक्स्ट क्रिएट होगा बाय अप्लाइंग द XOR ऑपरेशन तो साइफर टेक्स्ट भी 4 बिट्स का ही आएगा. यूजेस सेम की फॉर एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन. इट मीन्स कि ये सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी का पार्ट है, क्योंकि सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों के लिए सेम की यूज होती है, जो कि मैं पहले की वीडियोज में डिस्कस कर चुकी हूँ. डायग्राम में आपको दिखाया था ट्रेडिशनल साइफर्स एंड मॉडर्न साइफर्स. सो मॉडर्न साइफर्स के अंडर में आता है ये XOR साइफर. सिर्फ XOR साइफर अकेले यूज नहीं होगा, XOR साइफर को बड़ी बड़ी साइफर्स में, जो कॉम्प्लेक्स मॉडर्न साइफर्स हैं उसमें यूज किया जाएगा. जो कॉम्प्लेक्स साइफर्स हैं उसमें हम XOR साइफर को, मतलब छोटा सा पार्ट है XOR साइफर जो कि बड़ी या कॉम्प्लेक्स साइफर्स में इनका यूज होगा. हम आगे बढ़ेंगे लाइक AES, DES एटसेट्रा. अ स्ट्रिंग ऑफ टेक्स्ट कैन बी एनक्रिप्टेड बाय अप्लाइंग बिट वाइज XOR ऑपरेटर टू एवरी कैरेक्टर यूजिंग अ गिवन की. मीन्स कि जब हम एनक्रिप्ट करेंगे, अभी एग्जाम्पल हम देखते हैं, एनक्रिप्शन में हम बिटवाइज XOR ऑपरेटर अप्लाई करेंगे एक एक कैरेक्टर पर, या कैरेक्टर को हम पहले बिट्स में कन्वर्ट करेंगे और की जो भी प्रोवाइडेड होगी उसके अकॉर्डिंग जो भी बिट्स हैं दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द साइफर टेक्स्ट. यूज्ड इन कॉम्प्लेक्स साइफर्स इट इज सिंपल टू इम्प्लीमेंट एंड XOR ऑपरेशन इज कंप्यूटेशनली इनएक्सपेंसिव. ये तो इसके फायदे हो गए कि ईजी होती है, सिंपल है इम्प्लीमेंट करने के लिए, इनएक्सपेंसिव है. बट दिस इज अ वीक साइफर इफ यू यूज इट एज अलोन. दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ XOR साइफर. ये हमारा इनपुट है, प्लेन टेक्स्ट है, प्लेन टेक्स्ट एंड द की इज अप्लाइड. XOR ऑपरेटर अप्लाई होगा इनपुट और की पर, और आउटपुट जो है दैट विल बी आर साइफर टेक्स्ट. XOR ऑपरेटर की टेबल मैं यहां बना देती हूं, जो कि आप लोगों ने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ी होगी, 0001101. अगर हम XOR ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो जब दोनों जीरो होंगे और दोनों वन होंगे तभी जीरो आएगा, अदरवाइज वन आएगा. मीन्स कि अगर एक भी वन है, जीरो और वन, एक भी वन है तो फिर आउटपुट में आएगा वन. इधर भी 10 है, एक वन है तो फिर 1 आएगा, अदरवाइज इट विल बी 0. इसको हम कह सकते हैं कि ये मेरा प्लेन टेक्स्ट है, ये मेरी की है, तो ये मेरा साइफर टेक्स्ट बिट होगी. दीज आर द बिट. सपोज इनपुट में गया 0 और की थी 1, तो 0 और 1 का कॉम्बिनेशन, व्हाट विल बी द आउटपुट बिट, दैट इज 1. इन दिस वे इट वर्क्स. लेट अस सी एन एग्जाम्पल. मेरा प्लेन टेक्स्ट है KIWI, दैट इज किवी. की की वैल्यू गिवन है दिस 1111001. ये की वैल्यू गिवन है और इस प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट करना है साइफर टेक्स्ट में. इस प्लेन टेक्स्ट को मैं 8 बिट ASCII कोड में रिप्रेजेंट करूंगी, पहले 8 बिट ASCII कोड. तो K की ASCII वैल्यू होती है 75, I की होती है 73, W की होती है 87. तो इसको जब आप डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, 8 बिट कोड में कन्वर्ट करेंगे, तो ये मेरा K है, दिस इज I, दिस इज W एंड दिस इज I, KIWI किवी. तो K को 8 बिट में मैं रिप्रेजेंट करूंगी तो 01001011 I की वैल्यू आएगी 01001001. सिमिलरली दिस इज ऑफ W एंड I. अब नीचे सेकेंड रो में जो मैंने लिखा है ये की वैल्यू है, की मेरी क्या है 1111001. तो ये के जो मेरा ये प्लेन टेक्स्ट है, बिट रिप्रेजेंटेशन जो है प्लेन टेक्स्ट की, उसमें मैंने ये की वैल्यू लिखी, देन आई की बिट रिप्रेजेंटेशन के साथ की वैल्यू लिखी 1111001. सिमिलरली W के साथ भी सेम की मैं यूज करूंगी. मीन्स की जो है वो रिपीट होगी बार बार हर कैरेक्टर के साथ, सेम की रहेगी पूरे उसमें.
नाउ लेट अस अप्लाई द एक्सोर ऑपरेटर. ये एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर हम अप्लाई करेंगे. वन वन, जब दोनों वन होते हैं तो जीरो आता है. देन वन वन जीरो, जीरो जीरो सेम वैल्यूज हैं तो जीरो. डिफरेंट वैल्यूज वन, डिफरेंट वैल्यू वन, डिफरेंट वैल्यू वन, सेम वैल्यू जीरो, डिफरेंट वैल्यू वन. अब आई कैरेक्टर पर हम ये की अप्लाई करेंगे. सेम वैल्यू जीरो, डिफरेंट वैल्यू वन, सेम वैल्यू जीरो, डिफरेंट वैल्यू वन, डिफरेंट वन, डिफरेंट वन, सेम जीरो, डिफरेंट वन. देन दिस इज सेम जीरो, सेम जीरो, डिफरेंट वन, सेम जीरो, जीरो वन, जीरो वन. देन सेम वैल्यूज वन वन तो जीरो, डिफरेंट वन, जीरो जीरो पर वन आएगा, वन जीरो पर, सॉरी सेम वैल्यू पर जीरो, डिफरेंट वैल्यू पर वन, डिफरेंट पर वन, डिफरेंट सेम पर जीरो एंड डिफरेंट पर वन. सो दिस इज आवर साइफर टेक्स्ट फॉर दिस प्लेन टेक्स्ट किवी. किवी को हमने 8 बिट ASCII कोड में कन्वर्ट करा. मींस के की जो ASCII वैल्यू है, बिट रिप्रेजेंटेशन है, वो ये होगा. आई का बिट रिप्रेजेंटेशन ये होगा, जो कि मैंने ग्रीन पेन से लिखा है, और जो ब्लू पेन से लिखा है वो की है जो कि सब में रिपीट हो रही है. सो दिस इज आर एनक्रिप्शन डन, दैट इज प्लेन टेक्स्ट इज कन्वर्टेड इनटू साइफर टेक्स्ट. नाउ लेट मी शो द डिक्रिप्शन ऑफ दिस. तो ये मेरा साइफर टेक्स्ट में हो गया प्लेन टेक्स्ट से. दिस इज एनक्रिप्शन डन. नाउ आई विल डू द डिक्रिप्शन. डिक्रिप्शन के लिए ये तो मेरा साइफर टेक्स्ट है. दिस इज माय साइफर टेक्स्ट. ये वाली जो रो थी ये मैंने एग्जैक्टली यहाँ पर कॉपी करी है. 10 11 10 00, 10 11 10 00. तो ये मेरा साइफर टेक्स्ट है. ये मेरी की है 1 1 1 1 00 11. देन सेम अगेन रिपीटेड, अगेन रिपीटेड, अगेन रिपीटेड. द पॉइंट टू बी नोटेड कि सेम की यूज होती है एनक्रिप्शन में और डिक्रिप्शन में, अभी मैंने पहले भी बताया था. तो लेट्स डू, लेट्स अप्लाई द एक्सोर ऑपरेटर हेयर. डिफरेंट वैल्यू वन, डिफरेंट वैल्यू वन, सेम वैल्यू जीरो, डिफरेंट वैल्यू वन, सेम वैल्यू जीरो, सेम वैल्यू जीरो, डिफरेंट वैल्यू वन, सेम वैल्यू जीरो. देन डिफरेंट वैल्यूज वन, देन जीरो वन, दैट इज डिफरेंट पर वन, वन वन जीरो, वन जीरो वन जीरो. देन डिफरेंट पर वन, सेम जीरो, सेम जीरो, डिफरेंट वन, सेम जीरो, सेम जीरो, डिफरेंट वन, सेम जीरो. सो दिस इज कन्वर्टेड फ्रॉम साइफर टेक्स्ट टू प्लेन टेक्स्ट. ये मेरा प्लेन टेक्स्ट है. चेक करते हैं क्या वही बिट्स हैं जो हमारी प्लेन टेक्स्ट की थी. 0100 1011, 0100 1011, सही है, ये के की वैल्यू है. देन 0100 101, 0100 101, दिस इज आई. देन 0101, 0101, दिस इज डब्ल्यू. एंड 0100 101, 0100 101, तो वही सारी वैल्यूज बिट्स आई हैं हमारी जो हमने यहाँ पर प्लेन टेक्स्ट में ली थी. डिक्रिप्ट कर दिया साइफर टेक्स्ट से, प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया. सो दिस इज एक्सोर साइफर. जो और भी सिंपल मॉडर्न साइफर्स हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, यू कैन वॉच इट फ्रॉम देयर. और सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी और भी जो वीडियोज हैं उनका लिंक सबका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है.